तो जिस दिन सोना घर में होते हैं उस दिन हमारे घर में बहुत ज्यादा हल्ला होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 12 बजे से और आज है हमारे डेली व्लॉग चैलेंज का चौथा दिन। तो गाइस, आज मॉर्निंग से ही ना थोड़ा बहुत ऐसा काम किया कि यहाँ पे जो हमारा शू रैक था वो हमने शिफ्ट कर दिया बाहर। दिखाती हूँ, ये शू रैक हमने यहाँ पे रख दिया है। इसका रीजन ये था क्योंकि जब वहां पे था ना तो बाहर से हम लोग आते थे तो सारा कचरा वचरा सब उसी के ऊपर रख लेते थे, तो इससे थोड़ा वो भी मैनेज हो जाएगा। और दूसरा, बच्चे बहुत ज्यादा इसके साथ खेलने में लगे थे, खटर पटर बहुत हो रही थी और अपना हाथ भी दबा ले रहे थे, तो हमने सोचा चलो इसे यहाँ रख लेते हैं। तो गाइस, 12 बज गए हैं और आज सोना भी घर ही पे है, तो घर से काम चल रहा है उनका। और यहाँ पे मैंने किचन में बना दिया है कढ़ी और अब मैं बना दूंगी चावल। तो ये मैंने ना सूखी हुई मेथी की कढ़ी बनाई है। तो गाइस, खाना तो रेडी हो गया है, अब देखते हैं सोना क्या कर रहे हैं। मॉर्निंग से वहां से आवाज ही आ रही है, एक फाइल भी पुश करनी है, तो उनकी मीटिंगें चल रही हैं। क्या है क्या है आप बताओ? पता नहीं है तो। वाह, इसे क्या हुआ? क्या हुआ बाबू को? हाँ, क्या क्या गिरा? बेड कहाँ गया? भैया कुछ कर लेके आ रहा है। क्या हुआ इसके साथ? तो इसको निकालो ना। हाँ, ये छोटी छोटी बात के लिए बुलाओगे मम्मा को? निकल गया नक्शन नंदिनी, निकल गया। चलो बाहर चलते हैं। बाबू रोता क्यों है? हम कहाँ जा रहे? पार्क। ये तो गाइस, आज नंदिनी को मैंने तीन तीन DIY पहनाए हैं। तो ये स्कर्ट भी मैंने ना, मम्मा की बात सुनो बेटा, गेट अप, स्टैंड अप, जल्दी, मेरी बात ही नहीं सुनती है। तो जिस दिन सोना घर में होते हैं उस दिन हमारे घर में बहुत ज्यादा हल्ला होता है क्योंकि बच्चे जाना चाहते हैं सोना के पास और सोना रहते हैं बिजी अपने ऑफिस के कामों में, तो ये बहुत ज्यादा रोते हैं, है ना नक्शो? अभी फिलहाल हम लोग रेडी हैं पार्क जाने के लिए, तो सोना तो अपना काम करेंगे ऑफिस का और हम लोग चलते हैं पार्क। हाँ, पीछे से पापा आएंगे, ठीक है? पक्का? पहला ऑफिस लाके भेज दिया है पापा ने और पापा कोई नहीं आने वाले। पापा नंदिनी देख लिया, आ जाओ आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, चलो। चलो बेटा, करो 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 करो, क्या कर रही हो आप? और चलो, नहीं चलाना, नहीं चलाना, हेलो हेलो, नहीं चलाना। रेलगाड़ी चलती है नंदिनी, थम लक्ष्य, थम्बार निकालो, थम्बार थम्बार। इन बच्चों को सुलाने के चक्कर में ना मुझे खुद से नींद आने लगी है, लेकिन अभी ना बिल्कुल 4 बज रहे हैं, तो इस टाइम पे सोऊंगी तो फिर सर दुखने लगेगा क्योंकि नींद कंप्लीट तो हो नहीं पाएगी। इसलिए अभी फिलहाल चाय वगैरह पीते हैं और अपनी नींद को खोलते हैं। सोना, तुम चाय बनाओगे या शॉप से सामान लेके आओगे? क्या लेके आना है? ए नंदिनी, इसका कितना काम हो रहा है। नन्ना सर में दर्द हो गया बेटा, आधा सर दर्द तो यही लोग कर देते हैं। मेरे साथ कौन चल रहा है, नंदिनी या नक्शु? नक्शु चलो शॉप में चलते हैं। चलो बेटा कम, जब मम्मा के पास जाने दे, मेरे आने तक चाय बननी चाहिए, लेकिन नहीं तो मैं चली जाती हूँ। नहीं, मैं चाय बनाऊंगी तो तुम्हें बनाऊंगा चाय, पक्का? बढ़िया वाली बनाऊंगा, ठीक है। अदरक डाल के, वो लहसुन डाल के लहसुन डाल के चाय प्लीज मेरे लिए मत बनाना, अपने लिए ही बनाना। नक्शु चले,
सीरियसली लहसुन डाल के भी चाय बनती है? जेठालाल तो पुदीना भी डालता है। तो जेठालाल है ना वो। चल बेटा, कब से जेठालाल भी नहीं देखा। आप चल रही हो मेरे साथ? नहीं, मेरे साथ जाने को कोई भी तैयार नहीं है। ये आएगा, इसको इसको ले जाओ। हाँ, ये तो अच्छे से आता है, वो नंदिनी आती नहीं है सही से। स्टोर में जाके ना सारी चीजें गिरा देना। हाँ, अच्छा सिखा रहे हो तुम। आ जाओ ना। जा रही। अरे तू जा रही। नेक्स्ट शो कम बेटा, चलो। अरे तू जा रही। आ जाओ। तो गाइस अब प्लान चेंज हो गया है, ये लड़का आने से मना कर रहा है। नक्शु चल रहा है बेटा? नक्शु चले, आप कहाँ घूम रही हो यहाँ पे? हाँ, तो अपने हाथ में उसने ओरियो ले लिया है और आप क्या ढूंढ रही है पता नहीं। क्या चाहिए? इधर आओ, देखो देखो यहाँ से मैक्रोनी ले लेते हैं। नंदिनी हमें कहाँ जाना है बेटा? हमारा घर कहाँ है बाबू? हाँ, तो गाइस फिलहाल सामान ले लिया है और नंदिनी को पकड़ा दिया है ओरियो और ये इसे खा रही है। कैसे खा रहे हो? भैया के लिए कहाँ है? तो एक पीस उसने भैया के लिए छोड़ा है और एक पीस वो खुद खा रही है। फिर कॉल। अभी कुछ काम भी नहीं कर रहा, बताओ। तो गाइस तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते देखते पी रहे हैं चाय। आज अचानक पता नहीं कैसे याद आ गई तारक मेहता की, जिसे हम पहले से ना बहुत ज्यादा देखते थे। क्या है बिट्टू? तो गाइस मैं इसे खिला रही हूँ, ये मडवे के आटे का हलवा है। तो इस हलवे में ना चीनी नहीं डली है, गुड़ डला है, तो काफी ज्यादा हेल्दी ये हो जाता है। और मडवे का आटा यानी रागी का आटा, वैसे भी इसमें आयरन की मात्रा काफ़ी अच्छी खासी होती है, तो बच्चों को ना बीच बीच में देते रहना चाहिए इसे। और नंदिनी और नक्श दोनों को ही ना बहुत ज़्यादा पसंद है ये। वैसे पहले मैं इसे खिला रही थी तो मना कर रही थी, जैसे थोड़ा सा टेस्ट लगा ना इसके होठों पे, सॉरी जीभ पे, तो अब इसे पसंद आने लगा। ना कैसा है, बड़े चाव से खाते हैं। नक्शु भी अच्छे से खाता है बट अभी वो सोया हुआ है, तो इस ये एक बार खा ले, उसके बाद अभी थोड़ी देर में आता ही होगा वो, उसे भी खिला दूंगी। तो गाइस 10:45 हो गया है और यहाँ चल रहा है एक मोटा हाथी जो नंदिनी को बहुत ज्यादा पसंद है। नक्शु बेटा सो जाए यहाँ। नंदिनी सो जाते हैं बेटा। नंदा प्लीज, चलो 10:00 होने वाला है बाबू। नंदा चलो ना, क्या करना है आपको? नक्शो, तो गाइज ये लोग तो जब भी सोएंगे तब सोएंगे। फिलहाल करते हैं ब्लॉग का एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। घूमने चला, नक्शु को देखे जाके वो डरा।